मैं ब्लू ब्लू टी शर्ट में हूं और मेरा आईबीसी का लोगो उसमें दिख रहा होगा, मेरी ब्लू टी शर्ट में। हाँ नमस्कार। आपको याद होगा मैंने आपका नीमच में इंटरव्यू किया था 11 मई को, और मुझे ये इस बात का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपसे 1 साल बाद उसी समय बात कर रहा हूँ, लगभग 2 दिन बाद। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे राज्य की तारीफ करी, छत्तीसगढ़ की तारीफ की। हालांकि हमारा चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है, मध्य प्रदेश में भी आपकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी। आपने जिस तरह से बात की थी पहले कि तूफान आने वाला है, फिर आपने बोला सरकार पर दबाव बनाना है। जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तब आपने बोला था कि प्यार समझाना है, तो आप तो लगातार उनको प्यार समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप और पोलाइट हो गए हैं, हालांकि आप चाह रहे हैं कि दबाव बनाया जाए उन पर, और हम लोग उसमें साथ में। आपकी जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में उस काम को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, और मजदूरों को लेकर जो बात अभी एक और सज्जन ने पूछी है कि वो केंद्र सरकार ऐसा आरोप लगा रही है, और अभी मैंने देखा एक न्यूज चैनल में भी इस बात के लिए को लेकर भूपेश बघेल जी को चैलेंज किया गया है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस इस मामले में एग्रेसिव होके बात को सामने लाए और मजदूर सुरक्षित रूप से पहुंचे। और जो आपने बात की है तो जिस तरह से सोनिया गांधी जी अपना ने पहले सवाल थोड़ा कंक्लूड करिए क्योंकि बहुत सारे साथी और हैं। सोनिया जी ने जिस तरह से रेल के किराए को लेकर इनिशिएट किया, तो उसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई, तो क्या सोनिया जी से आप बोलेंगे कि इस बात को लेकर भी वो इनिशिएट करें ताकि फिर केंद्र सरकार एक्शन में आए? देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है, सरकार है, ऑपोजिशन है, हमारा रोल है, हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है। हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, गलत तरीके से सोनिया भी बोल सकते जी हैं। से आप बोलेंगे ये एक हमारी बार? चॉइस, हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने दो तीन सुझाव जो दिए थे पैकेज में, एक दो सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है, वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया, तो हम उस पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले मेरी चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मुझे बता रहे थे कि वो डायरेक्टली अब पैसा लोगों के जेब में डाल रहे हैं, तो काफी सक्सेसफुल चीज है, काफी अच्छी चीज है, और यही हमारी कोशिश है कि बाकी स्टेट्स में भी ये काम शुरू हो जाए। मगर देखिए, एक 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 प्रॉब्लम है जो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर प्रदेश का प्रॉब्लम है, कि जितना पैसा सेंट्रल लीडरशिप को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रदेशों को देना चाहिए वो दे नहीं रही, तो वो भी एक बॉटलनेक बन रहा है। वो सब चीफ मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं।